नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तुकरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 6 जयशंकर प्रसाद। पिछले वीडियो में मैंने इसके दो पद्यांश बता दिए थे। आज के वीडियो में अपन लेते हैं तीसरा और चौथा पद्यांश। इसमें कवि ने क्या बताया है कि ईश्वर जो है उनकी जो मधुर मुस्कान है उसको और उनकी जो मधुर हंसी है उसको नदियों और चांदनी के रूप में उपमा दी है। तो और ईश्वर का जो अस्तित्व है, निवास है, उसको उन्होंने रात्रि में जो आकाश में तारे जो चमकते हैं उसमें उनका निवास स्थान बताया है। तो आइए जानते हैं पहला, इसमें तीसरा जो पद्यांश है। तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तो इसमें कवि कहते हैं कि कवि ईश्वर को, ईश्वर की जो मधुर मुस्कान है उसको चांदनी में देख रहे हैं और ईश्वर की जो मधुर हंसी है, कृपा में जो हंसी है उसको वह नदियों की कलकल की बहती हुई नदियां जो बहती हैं, प्रवाहित होती हैं, तो उसमें जो कलकल की आवाज़ है उसमें उनको देख रहे हैं। तो कभी कहना चाहते हैं कि तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना, वह देख सकता है चंद्रिका को। यानी कभी कह रहे हैं कि जिसका कोई आरंभ ना हुआ हो, जिसका कोई, जिसकी ईश्वर की अगर मधुर मुस्कान देखनी है तो वह चांदनी को देखे, चांदनी की जो सुप्रता है उसको देखे, तो उसमें ईश्वर की मधुर मुस्कान हमें दिखाई पड़ती है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। और अगर हमें ईश्वर की कृपा में ही हंसी को देखना है तो हमें नदियों की जो नदियाँ जो प्रवाह होती हैं, यानी नदियों में जो बहता हुआ पानी है जिसकी कलकल की आवाज़ है उसमें उनकी जो कृपा में ही हंसी है उसको हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने जो है चांदनी और नदियों की जो बहती हुई नदियों की जो कलकल की आवाज़ है उसमें उनके मधुर मुस्कान और कृपामयी हंसी के बारे में बताया है। दूसरा है कि विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो इसमें जो है जयशंकर प्रसाद कवि क्या कहना चाहते हैं, इसमें जो ईश्वर की जो निवास है उसको अगर कोई देखना चाहता है तो वह रात्रि के आकाश में तारकों का जो समूह है जो दमकता है उसमें उनका निवास स्थान बताया है। तो क्या कहना चाहते हैं कवि के विशाल मंदिर की यामिनी में, यानी जिसको भी अगर ईश्वर के निवास को देखना है, ईश्वर के रूप को देखना है, तो वह रात्रि में जो दीपमालाओं का विशाल एक मंदिर है वो ईश्वर का मंदिर होता है। तो रात्रि में दीपमालाओं का विशाल मंदिर क्या होता है, रात्रि में दीपमालाओं का एक विशाल मंदिर, दीपमालाओं से सज्जित वो विशाल मंदिर होता है नीला आकाश, जो ईश्वर की देन होती है। तो नीले आकाश के अंदर जो तारों का समूह है, तारका गण जो दमकते हैं, जो ज्योति यानी प्रकाश में है, उनमें ईश्वर का निवास बताया है, ईश्वर का ध्यान बताया है, ईश्वर का अनूठा यानी एक अद्भुत दृश्य बताया गया है। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद जो हैं वो बता रहे हैं कि विशाल मंदिर के अंदर अगर हमें ईश्वर का एक विशाल मंदिर देखना है तो
दीप मालाओं से सज्जित विशाल मंदिर को देखना है, तो हमें कहाँ देखना है? वो रात्रि में नीले आकाश में जो तारों का समूह जो दमकता है, जो ज्योति प्रकाश में है, ये सब ईश्वर की देन होती है और वही हमें ईश्वर का पता बता रही है। एक अद्भुत दृश्य है जो ईश्वर की देन होती है। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद ने जो है ईश्वर के जो ईश्वर का जो जिसका कोई ना तो आरंभ जानता है ना कोई अंत जानता है, उनको केवल वह प्रकृति में ही देखना पसंद कर रहा है। तो लोगों को भी यही कहा जा रहा है कि प्रकृति के अंदर सब ईश्वर विराजमान हैं और प्रकृति के अंदर प्रकृति के प्रत्येक कण में ईश्वर है, जिसको देखना है तो इस प्रकार से वह देख सकता है। तो कवि इस प्रकार से वो ये बता रहे हैं, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। आगे के वीडियो में मैं आपको इससे अगला भाग बताऊंगा, उससे पहले मैं थोड़े से इसमें कठिन शब्द आए हैं उनको बता देता हूं। जैसे कि स्मित, स्मित का मतलब होता है मुस्कान, वो देख सकता है चंद्रिका, चंद्रिका का मतलब होता है चांदनी, ठीक है। हंसने की धुन में नदियाँ, यानी नदियों में जो बहता हुआ पानी है उनकी जो आवाज़ है वो ईश्वर की कृपा में ही हंसी के रूप में बताया है। निनाद यानी कलकल की जो आवाज़ है उसको निनाद कहा गया है। विशाल मंदिर की यामिनी, यामिनी का मतलब होता है रात, रात्रि में जिसे देखना दीपमाला, दीपमालाओं से सज्जित एक विशाल मंदिर को देखना चाहें तो वह कौन सा होता है? तारों का समूह, ये दीपमाला के रूप में होता है और नीला आकाश एक विशाल मंदिर के रूप में बताया गया है। तो तारक का गण का मतलब है तारों का समूह, ज्योति यानी प्रकाश में, अनूठा यानी अद्भुत। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद ने ईश्वर का जो निवास स्थान है, ईश्वर की जो मधुर मुस्कान है, ईश्वर की जो कृपा में हंसी है, उसको प्रकृति में दर्शाया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको इससे अगला भाग लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।